गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी फटाफट से ना मैंने सहरी कर ली है और अभी फजर का टाइम हो रहा है तो फटाफट नमाज भी पढ़ लेती हूँ। और आज है 26वां रोजा, तो आप सबको बहुत मुबारक हो 26वां रोजा। तो चलिए फटाफट से अभी मैं नमाज पढ़ लेती हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ, या तो काफी टाइम के बाद भी मिल सकती हूँ। बिकॉज अभी नमाज पढ़ने के बाद में मैं थोड़ा देर सो जाऊंगी, बिकॉज अभी जो मैं उठी हूँ ना, एक या डेढ़ घंटा ही हुआ होगा मैं सोई थी, तो मुझे नींद भी आ ही रही है वैसे, तो सो जाऊंगी थोड़ा देर मैं, उसके बाद में फिर आपसे मिलती हूँ। अंडा बॉईल हो रहा है बिकॉज इसके मैं बनाने वाली हूँ अंडे के पकौड़े। और यहाँ पर मैंने फ्रूट्स भी निकाल के रखे हैं जो कि मैं कट करूंगी अभी कस्टर्ड के लिए। और यहाँ पर देखिए हैदू सोया है, दिख रहा है आपको? यहाँ सो गया है वो, क्योंकि यहाँ पर एसी ऑन है तो यहीं पर सो गया था। और यहाँ पर मैं पढ़ भी रही थी तो फिर अंदर का एसी ऑन नहीं किया और यहीं पर उसको सुला दिया है मैंने। तो अभी ये बनने के लिए मेरे को बेसन का घोल तैयार करना है, तो ये फटाफट से मैं कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी देर में इफ्तार का टाइम हो जाएगा। और बाबू गए हैं थोड़ी सी इफ्तारी और लेकर आने के लिए रेडीमेड, बिकॉज आज मुझे चिकन समोसा खाने का ज़्यादा मन था। एक्चुअली हुआ ये, मैं खुद ही बनाने वाली थी बट उतना टाइम मुझे मिला नहीं और इसलिए फिर मैंने बनाया नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये अंडा भजिया तो मैं बना लूँगी घर पे और कस्टर्ड भी बना ले रही हूँ, और अगर हुआ तो मैं आलू भजिया भी बना लूँगी और चिकन समोसा तुम लेकर आ जाओ। और वैसे भी चिकन लाने जाना ही था बाबू को, तो आज सोच रही हूँ चिकन कोरमा बनाऊँ, तो मैंने बोनलेस चिकन भी मंगाया है बाबू से। तो ये सब हो जाता है, तब तक मैं फटाफट से फ्रूट्स कट कर लेती हूँ। वैसे कस्टर्ड मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, शरबत भी बना के रख दिया है, और अभी फटाफट से भजिया बना लूंगी और ये कट करके रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेसन निकाल लिया था और अंडे तो बॉईल हो ही रहे थे। अभी जैसी मैंने आपसे बात की वैसे बाबू का फोन आया और बोले कि चिकन लाना जरूरी है क्या? तो मैंने कहा कब के लिए चाहिए बोल रहे थे, तो मैंने कहा आज ही बनाऊंगी चिकन कोरमा। तो बोल रहे थे कि चिकन के लिए तो काफी लंबी लाइन है और बहुत टाइम हो जाएगा, 6:15 तो हो ही रहा है वैसे भी। तो मैंने कहा ठीक है रहने दो, अंडे आलू का सालन बना लूंगी मैं। तो बोले ठीक है, क्योंकि मैंने अंडा भजिया भी ले लिया हूँ और बहुत सारी चीजें लिया हूँ, तो अभी तुम ये सब मत बनाओ, सिर्फ कस्टर्ड बनाओ। तो चलिए अभी फटाफट मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ, मैंने सोचा चलो आपको भी बता देती हूँ। तो फटाफट से अभी कस्टर्ड बनाते हैं और फिर तब तक के बाबू भी आ जाएंगे और मैं हैदू को भी उठाने की कोशिश करती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बाबू आ गए है, सलाम करो। तो अंडा भजिया लेकर आए हैं, मैं ना बना रही थी, देखो बेसन भी निकाल के रखी थी यहाँ पर, और फिर तब तुम्हारा फोन आया कि रहने दो करके। और हलीम भी लेकर आए फ्रेंड्स बाबू। नहीं मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा निकाली हूँ, बाकी का डब्बा निकाल लूँ तो इसमें से निकाल के क्या कहाँ पर रखूँ, स्टील में रखूँ? अच्छा ठीक है। और साथ में बहुत कुछ लेकर आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, थैंक यू सो मच। तुम गए यार लेकर आए, मैं बना रही थी ना। चलो ठीक है, तो सो रहा है यार, उसको उठाने की मेरी वो नहीं है क्योंकि वो बहुत थका हुआ है। ठीक है चलो ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है।
love you।